नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को पता है हरियाणा के कॉलेजेस में एडमिशन चल रहे हैं और उसको लेकर जो आपकी दो मेरिट लिस्ट थी वो जारी कर दी गई थी डिपार्टमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ अब जो है ओपन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो कि 26 अक्टूबर तक चलेगा। तो जिन्होंने वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और स्टूडेंट में काफ़ी संशय बना हुआ था कि हमारी जो मेरिट लिस्ट होगी ओपन काउंसलिंग की वो कहाँ पे जारी की जाएगी, किस प्रकार से हमको एडमिशन लेना होगा। और इसको लेकर मैंने अभी डिपार्टमेंट से बात की है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से, तो उन्होंने खुद मेरे को बताया है कि ओपन काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो कब लगेगी और कहाँ पर लगेगी वो मेरिट लिस्ट, क्या कॉलेज में लगेगी या फिर ऑफिशियल साइट पर लगेगी, वो मैं आपको बताऊँगा। तो एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि उनकी मेरिट लिस्ट कहाँ पे लगेगी ओपन काउंसलिंग की, वो सब आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आप इस रिकॉर्डिंग को खुद सुन लीजिए। हेलो, हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जो ये ओपन मेरिट लिस्ट है ये ऑनलाइन आएगी इसकी लिस्ट या वैसे कॉलेज ही भेजेंगे? ऑनलाइन लगेगी। कब? 26 के बाद? 27 को। 27 को, ठीक है सर। कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं सर? उसके बाद में ले, पूछना कॉलेज में एक बार, सीट तो पता लग जाएगा कौन से कॉलेज में आई है। हाँ जी, वो लिस्ट में चेक करके सीधा डायरेक्ट कॉलेज में जा सकते हैं उसके बाद? नहीं, डायरेक्ट नहीं जाओगे, ऑनलाइन सेशन को फोन करके पूछना है क्या करना उसके बाद। कॉलेज को पूछना पड़ेगा जी? अच्छा, मतलब लिस्ट ऑनलाइन ही लगेगी जी? लिस्ट डिपार्टमेंट की साइट पे ही लगेगी मतलब जी? ठीक है सर, 27 को। जी जी, थैंक यू सर।